हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल के थ्रू सीखने जा रहे हैं पाइथन के बेसिक्स, जो कि मैं आगे की पूरी इस प्लेलिस्ट में बताऊंगा। पाइथन कैसे यूज़ कर सकते हैं, पाइथन कैसे आप सीख सकते हैं। और ये वीडियो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप कंप्यूटर साइंस एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर कुछ बैकग्राउंड हो आपका। जैसे कि मैं खुद अपनी कहानी पर आता हूँ, तो मैं बेसिकली एक फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बैंगलोर से ग्रेजुएटेड स्टूडेंट हूँ। और मैंने खुद से वेब डेवलपमेंट सीखा है। पिछले तीन साल से मैं वेब डेवलपमेंट ही कर रहा हूँ। स्टार्टिंग मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट किया था और लोगों के काम करता था, फ्री में सीखता था अपना काम करते हुए। तो धीरे धीरे करके मेरा स्टार्टिंग इंटरेस्ट बढ़ा और मैंने पाइथन खुद से सीखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे चीज़ें। तो अभी मेरे पास बेसिकली पाइथन, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, React, Vue.js और ये जो नई नई टेक्नोलॉजीज है, सब मैंने वहीं से सीखा था, अपने आप ही सब सीखा है। और अगर आप भी मेरी तरह सीखना चाह रहे हो, आप इंटरेस्टेड है, तो आप हमारे साथ सब्सक्राइब करिए, हमारे YouTube चैनल को लाइक करिए और आगे बढ़िए, सीखिए, अपने प्रोजेक्ट उठाइए। अभी मैं फ्रीलांस कंपनीज के लिए काम करता हूँ, अमेरिकन कंपनीज के लिए भी काम करता हूँ, ऐसा फ्रीलांस डेवलपर बेसिकली पूरा ईमानदारी से करता हूँ। तो आपको अगर आगे सीखना है, इस लेवल पर आके कोडिंग करनी है, तो बेसिकली आपको पहले बेसिक सारे क्लियर करने पड़ेंगे। उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा। 3 साल मेरे को लग गया, आपको भी देना पड़ेगा उतना ही टाइम। सो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो पहले पाइथन को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको पहले जाना पड़ेगा www.python.org इस लिंक से, और आप यहां से पाइथन डाउनलोड कर सकते हैं। मैक ओएस एक्स यूज़ कर रहा हूं, तो मैं यहां से अपना वर्जन डाउनलोड करके मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। अगर आप विंडोज़ पे हैं, जो कि मोस्टली यूज़र्स विंडोज़ से बैकग्राउंड से होते हैं, तो यहां पे होगा डाउनलोड फॉर विंडोज़, और उसको आप इंस्टॉल कर लेना है। दूसरा, मैं अपना फेवरेट कोड एडिटर जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ पिछले 1.5 साल से, ये वो है वी एस कोड, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छा चीज़ बना है, एक्सटेंशंस वगैरह काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे रखा हुआ है इसको। तो आप इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से और यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम लोग वीडियो की तरफ शुरू करते हैं। और पहले तो हम लोग अपना वी एस कोड एडिटर इस्तेमाल ओपन कर लेते हैं, और मैंने कि एक अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी को खोल लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी बना रखी है pythonessentialstraining.com, तो मैं इसमें खोल सकता हूँ। और यहाँ से मैं आपको एक्सटेंशंस के लिए सजा दूंगा। सिंपल, आप पाइथन इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। आप यहाँ से, जैसे ये है, यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। तो आपने डाउनलोड करने के बाद पाइथन का एक पहले फ़ाइल बनाते हैं और इस फाइल को लिखते हैं, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वेरिएबल्स के बेसिक्स के बारे में। तो पाई एक्सटेंशन जो होता है, ये डिफाइन करता है एक पाइथन फाइल। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम लोग कमेंट से, अब जैसा कि अगर आप दूसरे लैंग्वेज से आ रहे हैं, पीएचपी वगैरह से बैकग्राउंड से है, या फिर आप अगर जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड से, जैसे कि मैं हार्डकोर जावास्क्रिप्ट डेवलपर हूँ, तो मेरे को कमेंट्स के लिए सिंपल डबल कोट्स /\ मारता था, और मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए ये कर देता था, इसके अंदर भर देता था मल्टी लाइन कमेंट्स। लेकिन ये पाइथन में दोनों ही वैलिड नहीं है, सिंगल लाइन कमेंट पाइथन में दोनों ही वैलिड नहीं है। पाइथन के लिए बेसिकली मैं, जैसे जैसा कि हम लोग इस वीडियो पे आगे बढ़ते जाएंगे, तो हम आपको बताते जाएंगे क्या क्या अंतर आता है उधर से यहाँ पे आने पे। तो अभी यहाँ पे हम लोग शुरू करने वाले हैं बेसिक्स। तो सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए हम लोग पहले नंबर साइन जो होता है, हैश सिंबल या नंबर साइन, तो ये होता है इट इज़ यूज फॉर सिंगल लाइन कमेंट्स, ठीक है। अब मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हम लोग डॉक स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, जिसमें 3 बार डबल कोट्स होते हैं। तो दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट, और इसको हमारा कंपाइलर यूज़ नहीं करेगा। इसका पर्पज़, इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं डॉक स्ट्रिंग बोलते हैं हम लोग, तो इसको हमारा कंपाइलर यूज़ नहीं करेगा। अगर आपको कोई पाइथन फाइल को रन कराना, तो आप उस डायरेक्टरी में जाकर के सिंपल लिख सकते हैं पाइथन। अगर आप विंडोज़ में हैं, तो सिंपल आप लिखिए पाइथन और फाइल का नाम .py। लेकिन मैं जैसे कि पाइथन 3 यूज़ कर रहा हूँ मैक पे, तो सिंपल ही रन करूँगा। तो जैसे कि इसमें कोई आउटपुट आया नहीं है हमारा बेसिकली, क्योंकि हमने इन दोनों लाइंस को कमेंट में कर दिया है, तो इसको कंपाइलर ने इग्नोर कर दिया सिंपली। तो जैसे कि वेरिएबल की तरफ स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे, जो बेसिक जनरल रूल्स होते हैं वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। तो मैं एक मल्टी लाइन कमेंट डालता हूँ, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ वेरिएबल रूल्स। तो पहला रूल होता है हमारा कि
variable names are case sensitive, which means एक वेरिएबल हमारे पास है सम वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल है हमारे पास कैप्स में सम वेरिएबल. दूसरा ये है कि जैसे कि मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और एन अंडर स्कोर. इसका मतलब यही है कि अगर हम एग्जांपल में देखें तो जैसे कि एक ये हो सकता है वेरिएबल, दूसरा हो सकता है ये. हाँ, ये दोनों वेरिएबल दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं लेकिन दोनों ही वैलिड फॉर्मेट है. बोथ आर वैलिड. दूसरा ये है कि कैन हैव अ नंबर इन इट बट कैनॉट स्टार्ट विद अ नंबर. इसका एग्जांपल अगर देखें तो जैसे कि नेम वन और पर्सन वन, ये दोनों हमारे बोथ आर वैलिड वेरिएबल नेम्स. और अगर हम ये करें नेम, सो दिस इज इनवैलिड फॉर्मेट. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स को लेकर के. ये तो बेसिकली मैंने रूल्स आपको बताए हैं इसके थ्रू. तो जैसे कि असाइनमेंट वेरिएबल का कैसे होता है, अगर आप सी शार्प बैकग्राउंड से या फिर सी प्लस प्लस बैकग्राउंड से हैं या फिर जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड से, तो आपको सिंपल लिखना पड़ेगा ये चीज़. या फिर यहाँ पे लेट लगा दिया या फिर कॉन्स्ट लगा दिया या फिर वार लगा दिया. और अगर आप पीएचपी बैकग्राउंड से तो सिंपल आप डॉलर का साइन इस्तेमाल करके वेरिएबल को साइन कर सकते हैं. लेकिन पाइथन में ये दोनों ही नहीं होते. सिंपल पाइथन बहुत ही सिंपल है, आप सिंपली आप यूज़ कर सकते हैं. तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट एक्स, तो ये हमें प्रिंट की वैल्यू एक्स कर देगा. अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए प्रिंट जो एक्स की वैल्यू है वो डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट आउट हो गई है. तो ये मेरा वेरिएबल है इंटीजर टाइप. और अगर मैं जाता हूँ फिर हमारे पास नेक्स्ट होता है फ्लोट टाइप. तो उसको डिफाइन करने का सिंपल है, अगर x लिखा कोई पॉइंट में वैल्यू, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू चली गई उसके अंदर, तो वो हमारा बेसिकली हो जाएगा फ्लोट टाइप या डबल टाइप. लेकिन हम जनरली अभी फ्लोट टाइप ही यूज़ कर रहे हैं. अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ और रन करूँ तो देखिए 1.3 आ गई है. तो तीसरा हमारे पास आता है बूलियन टाइप. तो बूलियन टाइप में होता है जैसे कि इज ओके, अगर इसको हमने कर दिया ट्रू. अगर आप पीएचपी वगैरह में तो सिंपल आप ट्रू लिख देंगे, सी शार्प या सी प्लस प्लस जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड से है तो सिंपल आप ट्रू ही लिख देंगे. लेकिन यहाँ पर पाइथन में ट्रू लिखना पड़ता है ऐसे कैपिटल टी के साथ. तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ और मैं यहाँ लिखूँ इज ओके और इसमें रन कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे ट्रू आ गया. स्ट्रिंग की बात करते हैं अब हम. स्ट्रिंग वेरिएबल तो हमने लिखा जैसे कि नेम है, तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ नरेंद्र मौर्य और मैं प्रिंट करता हूँ नेम. तो ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है. जनरली हम लोग इससे डील करते हैं उन चीज़ों को जैसे कि कोई लेटर हो गया, कोई अल्फ़ाबेट हो गया, कोई सेंटेंस हो गया, पूरा पूरा हम लोग इसके थ्रू स्ट्रिंग के थ्रू एक्सेस करते हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए होता है. तो ये रहे हमारे बेसिक. अब हमें किसी वेरिएबल का टाइप चेक करना है. टाइप चेकिंग प्रिंट टाइप. अब ये टाइप फंक्शन जो है हमारा, इसके अंदर जो वेरिएबल है जिसका टाइप हमें चेक करना है वो हमें पास कर देना है. तो पहले मैं सबका एक एक करके चेक कर देता हूँ. तो ये मैं आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मैं थोड़ा फास्ट इसमें लिख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं. और यहाँ पे नेम, अगर मैं तीनों को रन कर रहा था तो ये मुझे तीनों बता देगा. पहला वाला जैसे एक्स है तो वो हमारा इंटीजर टाइप है, दूसरा हमारा वाई है जो कि हमारा फ्लोट टाइप है, तीसरा हमारा इज ओके जो भी है हमारा वेरिएबल वो है हमारा बूलियन टाइप, तीसरा है हमारा स्ट्रिंग टाइप जो कि str से आ रहा है. इससे हमें पता चल गया कि वेरिएबल्स कैसे हम लोग उसका टाइप चेक कर सकते हैं. तो अब हमारा नेक्स्ट चीज़ आता है जो कि इसे हम लोग कहते हैं मल्टीपल असाइनमेंट. मल्टीपल असाइनमेंट का मतलब है कि सिंपली हम जैसे कि हर लाइन में जाके अलग अलग सबको एक्सप्लेन कर रहे हैं. लेकिन अगर हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ,
जिससे हमारे प्रोग्राम का कोई मतलब हो कंपाइलर को इग्नोर कर देगा। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट चीज मल्टीपल असाइनमेंट। अब मल्टीपल असाइनमेंट में क्या होता है कि जैसे कि हमें इन्हीं सब चीज़ों को यही सारी वैल्यूज देनी है लेकिन एक लाइन में देनी है, तो उसके लिए सिंपल है एक्स कॉमा वाई इज ओके और नेम वेरिएबल को हमने कर दिया और एक ब्रैकेट दे दिया। तो पहले की वैल्यू 2, 1, दूसरे की वैल्यू 1.3 दे दी हमने, तीसरे की वैल्यू ट्रू है और चौथे की वैल्यू है नरेंद्र मौर्य। अगर मैं सेव करूँ, इसको रन करूँ, इसी फाइल को देख सकते हैं सेम चीज़ें मिल गई आपको। अगर मैं प्रिंट करता चला जाता हूँ एक एक करके, इज ओके और नेम, तो आप जैसा कि देख सकते हैं बिल्कुल सेम हमारा आउटपुट जो पहले था वही आया हुआ है। तो ये है तरीका इसको इस्तेमाल करने का। तीसरा तरीका है हमारे पास, तीसरी जो है बेसिक मैथमेटिकल ऑफ स्ट्रिंग्स को तो हम लोग अच्छे से यूज़ करेंगे। तो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस में क्या क्या होता है, जैसे कि सब्सट्रैक्ट करना है हमारे पास, एडिशन करना है, तीसरा है हमारे पास डिवीजन करना है, चौथा रिमाइंडर स्टोर करना है या फिर इसको मॉडुलस भी बोलते हैं। ये बेसिक ऑपरेशंस के परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि एक हमने सी वेरिएबल लिया और उसमें लिखा जो वाई की वैल्यू है, वाई में से एक्स को हटा दिया हमने और हमने प्रिंट कर दिया, सी को प्रिंट किया। तो अगर मैं इस फाइल को रन कराऊँ तो आप देख सकते हैं 1.3 आ गए सी वैल्यू। दूसरा होता है हमारे पास एडिशन। तो एडिशन में अगर सी इक्वल टू वाई प्लस एक्स कर दिया हमने और इसको फिर से प्रिंट कराया, तो देख सकते हैं प्रिंट नहीं कराया, इसको सी किया और प्रिंट किया तो देखिए 2.3 आ गया सिंपल। अब हमारा तीसरा होता है डिवाइड करना है, जैसे 1.3 को y को डिवाइड कर देना है हमको x के थ्रू और प्रिंट किया तो वेरिएबल उतना ही आ रहा है क्योंकि x इस वैल्यू को हमने उसे डिवाइड किया। लेकिन अगर होल नंबर, अगर हमें रिमाइंडर चाहिए, जैसे जो रिमाइंडर बच रहा है, तो उसके लिए सिंपल y और ये मॉडुलस सिंबल होता है x किया तो हमने, और इसके बाद प्रिंट सी, मैं सॉरी दोस्तों मुझे माफ़ करिएगा, मैंने इसमें वो करना भूल गया था। अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो देखिए तीनों पे, पहले पे जो सब्ट्रैक्शन था, दूसरे पे एडिशन था, तीसरे पे जो डिवीजन हुआ है, चौथे पे जो है हमारा रिमाइंडर जो बच रहा था वो आया हुआ है। और हाँ, एक और ऑपरेशन था जिसे कहते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन। सो इट विल बी लाइक सी इक्वल टू एक्स इंटू वाई, अगर कर दिया हमने तो वैल्यू आंसर वही आने वाला है, लेकिन प्रिंट किया तो देख सकते हैं सारे, दिस वन इज फॉर सब्ट्रैक्शन, दिस वन इज फॉर एडिशन, दिस वन इज फॉर डिवीजन, दिस इज रिमाइंडर, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन, मतलब पूरा ऑपरेशन बेसिक ऑपरेशन है वो मैंने इसके अंदर कवर अप कर लिए है। अब नेक्स्ट होता है हमारे पास, जैसे कि अगर हमें एक को आपस में, मतलब जैसे कि एक वेरिएबल, अब हमें क्या करना है कि अब हम अगला जो टॉपिक देखेंगे वो है हमारा टाइप कास्टिंग। तो बेसिकली टाइप कास्टिंग कुछ नहीं होती है, बस नाम से ही लगता है इतना डर वाला काम, लेकिन है कुछ नहीं। तो इसमें क्या होता है कि हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे कि एक्स, जैसे कि हमारा वाई है यहाँ पे, वो हमारा फ्लोट टाइप था, तो हमें फ्लोट को इंटीजर में लेके आना। तो जैसे वाई को हमने लिख दिया सिंपल वाई कर दिया और मैं अब प्रिंट करूँ वाई की वैल्यू, देखिएगा, और मैं प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ वाई। तो अगर मैं इसको रन कराऊँ तो देखिएगा यहाँ पे अब वाई जो कि हमारा पहले फ्लोट हुआ करता था वो कि अब इंट में कन्वर्ट हो गया, इंटीजर टाइप में कन्वर्ट हो गया। अगर उसी तरह सिंपली अगर हम करें जो कि हमारा एक्स है जो कि इंटीजर है, तो हम सिंपल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं एक्स को और प्रिंट करें वही चीज़ें, प्रिंट एक्स और प्रिंट करें
type of x और इसको रन करते हैं तो आप देखिएगा अभी हमारा इंटीजर से स्ट्रिंग हो गया है। तो ये जो जैसे y वाले में किया उसने क्या किया, सिंपल जो 1.3 था हमारा उसका फ्रैक्शनल पार्ट हटा देगा, जो इंटीग्रल पार्ट रहेगा उसी को सेव कर लेगा अपने y में। तो ये है बेसिक ऑपरेशंस, बेसिक टाइप कास्टिंग के फॉर्मेट्स। यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे हो रहा है हमारे पास फ्लोट टू इंटीजर।